उसमें ही सोचा था कि चलो आज मैं बनाने जा रही आलू की कचौड़ी। मैं कढ़ाई रख के मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ही पचफोरन का तड़का डालूंगी, अदरक लहसुन का थोड़ा सा छिलाना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और फिर इसमें ही हरा मिर्च डाल दूंगी। इसको हल्का सा फटाफट करिए सब्सक्राइब। ये देखिए हल्का सी हो गया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि मेरा हो गया इसमें गरम मसाला मैंने डाल दूंगी। आइए आधी चम्मच एक दो पूरा आलू स्टाइल से आलू फ्राई करके बनाऊंगी। अभी मेरा हो गया है, अब इसमें आलू डालूंगी हल्का सा उसको फोड़ दूंगी। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस इतना ही डालूंगी और थोड़ा धनिया डालूंगी। इसमें समय अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। आपको जितना कम ज़्यादा नमक पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। अच्छे से भून जाएगा आलू। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल दे रही हूँ। बहुत सारा हरी हरी धनिया हमको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा धनिया बचा था ये भी मैं डाल दे रही हूँ। देखिए मैं इसे सब निकाल दे रही हूँ। ये मेरा आलू सब निकल गया है। जब तक मेरे आलू ठंडा होगा तब तक मैं आटा बना लेती हूँ इसके लिए। ये देखिए मैंने आटा ले ली हूँ। अब इसमें मैं आटा में गूँथूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी करके ही गूँथूँगी। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डाली हूँ और ऐसे ऐसे सारा आटा मैं गूँथ लूँगी सॉफ्ट हो जब तक खोल जाए। मेरा आलू ठंडा हो गया है। मैं कचौड़ी बना ली हूँ छोटी छोटी, इसकी गोला बना ले रही हूँ आटे की। ये देखिए इतनी छोटी छोटी है, ये इसे गोला बना लूँगी इसे। देखिए मैं इसको ऐसे ऐसे दोनों करके फ्रेश कर दे रही हूँ। थोड़ा सा गोला बना लूँगी ऐसे। मैंने ऐसे सारी आलू इसमें ऐसे रखे हैं ऐसे, अब सब इसको भर लूँगी ऐसे करके। ये देखिए मेरा ये आलू भर गया है। ऐसे सारा मैं बना लूँगी। ये देखिए मेरा हो गया है। इसको हल्का सा हाथ से ऐसे से दबा दूँगी। अब मैं इसको कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई रख दे रही हूँ। देखिए मैंने कढ़ाई रख दी, मेरा तेल ये गर्म हो रहा है।
अभी मेरा तेल गर्म हो गया, इसमें ये आलू डालेंगे। एक कचौड़ी जो बनाई थी आलू की, ये सब कर दिया, फिर धीरे धीरे इसको मैं निकालूंगी। फिर देखिए ये थोड़ा ये गोल्डन हल्का हल्का हो रहा है, तो इसको कलर दे देंगे। इधर भी थोड़ा खर्च जाएगा। फिर देखिए मेरे कचौड़ी में अभी हो गया है, अब मैं इसको पूरे को निकालने जा रही हूँ। सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।